डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज #1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री-नर्सरी टू 9th। आप सबको पता है कोरोना के कारण 3 महीने से प्रैक्टिकली कोई भी काम नहीं हो रहा है, और जिन व्यवसायी लोग हैं या जो भी दिहाड़ी मजदूर हैं, दूसरे लोग हैं, वो लोग जब काम नहीं करेंगे तो बिजली का बिल कैसे भरेंगे। राज्य सरकार अपनी तानाशाही चला रही है कि 30 तारीख को सबको बिजली के बिल भरने हैं। बिजली का बिल कैसे भरा जाएगा? क्या आसमान से कोई पैसे टपकेंगे उनके लिए? जिन्होंने 3 महीने तक कमाई नहीं करी है, उनका पैसा कौन भरेगा? राज्य सरकार को, आप अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, इन सबको बोलना पड़ेगा कि अपने ऊपर जो फिजूल खर्ची है उसे बंद करें। वो वाला जो पैसा होगा उससे आम आदमी का बिजली का बिल भरना पड़ेगा। आज कहाँ करा आपने प्रदर्शन? सुनिए, सबसे पहले इधर गांधी भवन चौराहे पर है, इसके बाद अभी नया बाज़ार चौपड़ पे जाएंगे, और राज्य में पूरे राजस्थान के अंदर विभिन्न जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर आज ये कार्यक्रम चल रहा है। जब भी माफ नहीं होती उससे आज आप क्या करोगे? आगे देखिए, ये हमारा तीसरा चरण है। पहले चरण में हमने ज्ञापन दिया, दूसरे में हमने होम बाउंड रह करके आंदोलन किया उस दिन का, और तीसरे चरण में आज हम चौक से चौराहों तक आए हैं। अब हम लोगों से बात करेंगे, हम उनके वीडियोस बनाएंगे, उन वीडियोस को हम राज्य सरकार की आंख खोलने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हर आम आदमी यही बोलेगा। आज राज्य सरकार के पास पैसा है, वो रिजॉर्ट के अंदर विधायकों को रोक रही है क्योंकि उसको राज्यसभा की सीट चाहिए। वो पैसा फिजूल खर्ची कर सकती है और आम आदमी का पैसा नहीं भर सकती। हमारे टैक्स का पैसा है। जब हम पैदा होते हैं उस बार जब हमारा पहला हमारे को वो लगता है इंजेक्शन, उसमें टैक्स का पैसा है। हम सरकार को टैक्स भरते हैं। हर भिखारी, यहाँ तक कि हमारे भारत का हर भिखारी टैक्स भरता है। तो उस टैक्स के पैसे से जब सरकार चल सकती है तो 3 महीने का बिजली का बिल क्यों नहीं दिया जा सकता? कीर्ति पाठक। अरे यार, ये बिजली का राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार होश लो, बिजली बिल माफ करो। मैडम,